am not your enemy. I am the enemy. Assalamualaikum, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई हमने यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया है, आप ये देख रहे होंगे मेरी कैप। हमने करा ली हुई टिंड, काफ़ी दिन हो गए हमने करा ली हुई टिंड। तो आज हम जा रहे हैं कॉलेज आफ्टर लॉन्ग टाइम नो सी, 5 से 6 महीने बाद हम कॉलेज जा रहे हैं। कपड़े तो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे हम जा ऐसे फंक्शन में रेंट आई है, उन्हें पहनी हुई है और शूज़ पहने हुए हैं, बहुत अरसे बाद पैंट पहनी है। गाड़ी में से हम निकालते हैं परफ्यूम, परफ्यूम लगा लेना चाहिए यार, हमारा ये पसंदीदा परफ्यूम है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो फिर हमने बाइक स्टार्ट कर दी हुई है कि गर्म हो जाए, उसके बाद चलते हैं आज कॉलेज, क्योंकि आज हमारा कॉलेज में है स्टैंड अप और आज हमने एडमिशन भेजना है। इस वजह से हम जा रहे हैं कॉलेज काफी टाइम देर बाद, काफी देर बाद। तो आज कॉलेज जाना बहुत बहुत जरूरी था, वरना एडमिशन ही नहीं जाना था हमारा। एडमिशन आ गया तो फिर हम कहाँ करें। तो फिर हम वहां पे चलते हैं और वहां पे जाके अगर कोई दोस्त आया हुआ है तो उससे भी आपको मिल पाते हैं। काफी टाइम बाद अपने कॉलेज की शक्ल देख रहे हैं और अपने दोस्तों की। लेट्स सी। One eternity later. भाई जान ये हमारे कॉलेज का रश है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यावर हमें यहाँ पे स्पॉटेड हुए हैं। यावर सुनाओ क्या हाल है? मेरी लाइन देखो खाली बिल्कुल, वो प्रिंजीनिंग की लाइन है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं था। यावर साहब सबसे आगे थे और खुशी खुशी वापस आ गया हमें, और इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं कोई लेता। यावर यार आज कॉलेज ना विजिट करें, अट से बाद नहीं नहीं करते हैं यार, स्पोर्ट करते हैं आज को। आज हम अपना कॉलेज देखते हैं जाके। भाई ये हमारा है ए ग्राउंड, हमें हमारे कॉलेज को इजी नहीं लेना, बहुत खूबसूरत। या आपके कॉलेज में दरख्त नहीं होंगे, हमारे कॉलेज में बहुत ज़बरदस्त दरख्त हैं, गजब बेइज्जती है। फिर आपके उसके बाद आगे चलते हैं अपनी बिल्डिंग में जहाँ पे हम आज तक नहीं गए। तो ये हमारा इंटर ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये इधर हमारी लगी होती थी स्टक ऑफ लिस्ट जिसमें आज तक हमारा नाम नहीं आया। सीरियस बात है, नाम नहीं आया तो यहाँ पर आया एक बार, यहाँ पर बड़ा जलील हुआ है। और ये हमारा है यूनियन ऑफिस, ये जो यहाँ का हेडर है यावर, ये इसका नाम लिखा हुआ बाहर, अनायतुल्ला खान इसका दूसरा नाम है। उसके बाद आगे हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी होती थी, ये लाइब्रेरी है जिसको ताला लगा हुआ है। अच्छा आगे आ गया, लगा ताला ही हुआ उसको भी, सारा देखो। और इंटर ब्लॉक हमारा बहुत बड़ा भाई, ये लाइब्रेरी आ गई हमारी। मैं चाहता मेरे यहाँ पे स्टैंड अप हुए हैं फर्स्ट ईयर के, दो दो घंटे बैठा, दोनों ज्यादा बैठा हूँ। ओ मेरी क्लास, सिर्फ ये क्लास खुली हुई है भाई। ये मेरा यहाँ पे ना स्टैंड अप हुआ था ऐसे वैसा टेस्ट, यहाँ पे एक टीचर यहाँ पे खड़ा हुआ था, एक यहाँ पे खड़ा हुआ था और एक वहाँ पे खड़ा था, और मैं आया था लेट और मैं बैठा हुआ था यहाँ पर बैठा हुआ था। जो ठंड थी यहाँ पे, तू जमाइया लाए थे खलो के, यहाँ पे मैं ऐसे करके बैठा हुआ, नजर ना कुछ आए, मेरे आस पास कोई भी नहीं बैठा हुआ, इधर उधर बैठे सारे बैठे हुए थे यहाँ पे। तो भैया आपके भाई को बस सेंड पास हो गए थे हम, एडमिशन जरूरी है, समझ नहीं आई। अच्छा क्रिकेट टीम हो रही मैच, अच्छा फिर आपको हम अपने क्रिकेट ग्राउंड के अंदर देख चलते हैं, अजमेर मेरी हाल भी चलते हैं यार आगे आगे। ये हमारा इंटर ब्लॉक खत्म हो गया, इसके ऊपर दो फ्लोर इसके ऊपर भी है, यहाँ पे हम फोटो शूट करते रहते थे। भैया अब हमारा हो गया है क्रिकेट ग्राउंड अभी आगे भी है, आगे बहुत बड़ा है कॉलेज। तो ये हमारे इंटर वालों का क्रिकेट ग्राउंड, इंटर वालों का क्रिकेट ग्राउंड है, ये रोड है। लेट्स स्टार्ट, इधर आ जा, इधर नु आ जा। ये बॉक्सिंग तो देख ले भैया, हमारा बॉक्सिंग यहाँ पे यावर हमें लड़ते रहे हैं आज तक, उन्होंने साफ नहीं किया इसको, रस्सियाँ देखे हैं अब इसकी। लेकिन यार यावर बातों की बात नहीं, अपना कॉलेज तो अच्छा है। नहीं वैसे आए नहीं है, हम समझ नहीं, हम रोस्ट कर रहे हैं कॉलेज को इस टाइम पे, खूबसूरती दिखा रहे हैं, खूबसूरती दिखा रहे हैं। वो भी लगा हुआ है यार, वो देख वॉलीबॉल वाला, नाइस। आज तक नहीं लगे, मिला था हॉस्टल वाला भी आया, आगे हॉकी स्टेडियम भी आया, मैंने तो नहीं देखा आज तक। फुटबॉल भी आया, हॉकी भी, कहाँ पे वो आ गया उस तरफ, भाई वो उठे कौन जाइए, लेफ्ट साइड पे हॉस्टल है, सारे हॉस्टल है, कैंटीन नंबर 1 है, ये भी कैंटीन है। यार फिर इस बात है, हमें खुद पता चला हमारे कॉलेज की भी कैंटीन है, ये मेरे हॉस्टल वालों की है यार। वो हमारी आ गया, ये देख दरख्त गिर गए हमारे, इधर दरख्त भी बहुत बेचे जाते हैं, वो मस्जिद है, वो एक गेट है वहाँ से बाहर निकलने के लिए, गेट थे 3-4 है।
अब आगे चलते हैं। मटे किसना मटा किधर होता है आजकल? वह करने क्या हुआ? दिस इज आवर कैंटीन। ये मुंडे वाली है साइड से, कुड़ियों वाली साइड है जिधर खूबसूरत खूबसूरत दरख्त लगे हैं, बाउंड्री बनी हुई है लड़कियों की कैंटीन है जिधर हम नहीं जा सकते। तो भाई आज हमारे साथ सीन ऐसा हुआ, हमारा सेंड अप नहीं हुआ, ज्यादा कर दी उन्होंने क्योंकि कॉलेज बंद था। नहीं है हमारी तैयारी करके आए थे उर्दू के पेपर की, आज डेट शीट लगी थी, पेपर बनता था लेकिन नहीं हुआ हमारा। लेकिन अब हम चलते हैं आगे, हमने रेलवे स्टेशन जाना है, फ्यूल इंजेक्टर अपनी होंडा के लेने, उसके बाद आगे जाके मेन चीज दिखाना तो भूल गए हैं अपनी। क्या गेट एंट्रेंस आगे नहीं है अभी तो, वो वहां पे ग्राउंड करा भाई, ये हमारा कॉलेज यहां से एंटर होता है, ये वो एंड तक जाता है, वो उसके भी आगे गाड़ी की पार्किंग आगे सारी। चलते हैं फिर आप हैं सारा आ गया। तो भाई साहब अभी हम रेलवे स्टेशन पर गए, हम आ गए हैं एक्साइज ऑफिस, एक्साइज ऑफिस आ गए। हमने ना गाड़ी नाम करवानी थी अपनी, इतने तो कैमरा भी अलाउ नहीं है, यावर डर डर के कैमरे भी पकड़ना पड़ता है, अल्लाह करे बस बचे तो हो जाए। यार हम बाद में करते हैं स्टार्ट, अभी पता कर लें उसके बाद। भाई साहब ये आप देख सकते हैं इस वक्त हम फुल रश के अंदर से, इतनी मुश्किल मुश्किल से निकलोगे कह रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। यार कैसा महसूस हो रहा है तुझे? भाई बस महसूस ही हो रहा है फिलहाल तो। यार यहाँ पे तो चलना ही बहुत मुश्किल है, सर्दी ऊपर जितनी है, ये हमने ग्लव्स भी उतारे नहीं है, मैं सुबह इतनी दूर से ठंड में आया हूँ। यार साहब बोल ठहरे हुए हैं, पैंटे हमने पुलिस की पहनी हुई है। यार अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, एक साइज से हमें लेना था कार्ड गाड़ी का, एक और एक हमने ट्रांसफर करवानी थी, हमारा काम हो गया। हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, फिर आपको हमें ज़्यादा चीज़ दिखा देते हैं, मेन चीज़ है हमने क्या करनी है। फिर आज हमारे बहुत सारा प्लान है, हमें काम नहीं है, वो भी फिर आपको दिखाते हैं। बात करते हैं भाई जान, तो हम ये चीज़ लेने आए थे। यावर कैसा महसूस हो रहा है ये चीज़ देख के? पहले तो आधा घंटा था मैं दुकान, ये दुकान ही मिली थी, वो बैनर लगा हुआ था नीचे, मैंने उन्होंने कहा बैनर उतार रहे हैं भाई, हमें 10 मिनट हो गए आप उतार दिए उन्होंने। तो यावर भी पता चीज़ क्या है? वो भी तूने मेरे से सुना, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। यार ये असल में भला क्या चीज है, वो होंडा नहीं सी भी कभी, पेट्रोल बहुत खाती है, उसके नए मंगवाया कोयटा भाई, ये हमारे आए हैं कोयटा से। तो अब हम सोच रहे हैं कि रेलवे स्टेशन जाके फोटो शूट करें, यावर सोच रहा है कि मैंने तो कुछ पहना नहीं हुआ, चलते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना है मिंट कुमरी रोड, बहुत अफसोस से बताना पड़ रहा है, हमारी करोला लग गई थी तो उसकी लाइट और बम्पर टूट गया दोबारा से, तो वो हमें लेने जानी है, शायद लालगंज भी हमें जाना पड़े। तो वो आगे चलते हैं, फिर हम अपनी बाइक पे बैठते हैं, लंडा भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये ना लाहौर का लंडा बाजार है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये ओवरकोट बखा यार उन्होंने, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है ओवरकोट, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इनमें तो आके इंग्लैंड आना बुला लो। ये हमारे लाहौर का मशहूर तरीन लंडा बाजार है, चीज़ें मिलती हैं, हमें सोचना ना कि हम कुछ खरीद नहीं आए, हम घर वापस जा रहे हैं, हमारा रूट है ये। मैंने कहा चलो यार ये बना, हम इस वक्त पहुँच गए हैं दिल्ली गेट, ये चेक करें लाहौर का दिल्ली गेट, इसे कहते हैं दिल्ली गेट जो आपको आज हम दिखा रहे हैं। क्या तू खिला रहा है? खिला रहा है तू? कन्फर्म? यार मैं जब जितनी बार व्लॉग में बंदा ले गया था ना खाने वाला, वो खिलाता नहीं है मुझे। हां जी सही, सुबह भी मैंने दिन दिया, मुझे याद है बड़े तरीके भैया, आज यावर का दिन है, आज यावर सुबह का बेचारा हमारे हाथी आया हुआ है, वो हम आपको नाश्ता नहीं ला सके क्योंकि माहौल इस तरह का था, हम नहीं लेके आ सके। अभी हम अंदर चलते हैं दिल्ली गेट के अंदर, ठीक हो गया, चलो फिर चलते हैं, चले हैं टिकलोना चलते हैं। यार आप वो भी देखनी है यार, वो वाली गली निकाह वाली गली, चलो ठीक है चलते हैं फिर अंदर, ओके फिर आके वहाँ से जाके मिलते हैं। गाइस इस वक्त हम आ गए हैं हलीम खाने, हम लोग हलीम मशहूर हैं, और यावर अपने इस थके हुए मोबाइल से स्नैप बनाते हुए छुपा के रहा, फोन दिखा यार अपना लश मारा, फोन दिखा प्राइवेसी होता है प्राइवेसी, दोबारा दिखा फ्रंट दिखाई, फ्रंट दिखा 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 दे फ्रंट रहने दे। तो भैया लीम कराने लगे हम, यावर खिला रहा है, बहुत खुशी की बात है, सुबह का नाश्ता भी मैंने ही कराया, खुशी की बात है यार, आप सबको आज पता चल नहीं रहा कि यावर खिला रहा है, कितना खुश अभी ऊपर ऊपर से खुश है, वैसे तो बहुत दुख में है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, आप कह रहे हैं आप देखते हैं लोगों को बैठा रहे हैं,
7.5 hours late. अल्लाह के हुक्म से हमने बम्पर शम्पर ले लिया है, वो हमने दूसरी गाड़ी में रख दिया है ताकि जैसे हमारे और अब हम यावर को छोड़ने लगे हैं। यावर कैसा मजा आया ठंड में? बस हम जिस तरह हम बम्पर ले गए हैं हम भी जानते हैं जिस तरह हम बम्पर ले गए हैं हम बस हो गया यार। हमने बम्पर बाइक पर उठाया, मोल्डन आके भी हमने बम्पर खोया और उसके बाद हम यावर को छोड़ा। अब चलते हैं घर को। यावर मजा तो आया है यार वैसे आज ठंड का। हमें कहीं आग भी नहीं मिली, एक जगह मिली थी सुबह टाइम बस, उसके बाद आग भी नहीं मिली। चलो ठीक है फिर। A few minutes later. भाई साहब हम घर पहुंच चुके हुए थे, उन्होंने कहा हम साहब आप रेस्ट नहीं कर सकते, आप घर के काम भी करें। अब भाई साहब 8 बज चुके हैं और मेरी फुल बस हो चुकी है ठंड से, लेकिन अब ये स्कूल में गाड़ी मिली है, गाड़ी में बैठे घर आते साथ बहुत ठंड अभी भी लग रही है। तो भैया हमें काम थे, कहते जाके वो लेके आओ सामान, ये लेके आओ वो सामान, मैं चलो यार ले आते हैं मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, घर में सबसे छोटे हैं हम, हमारी मजबूरी है अब काम करना। तो भाई साहब लोग हम यहाँ भी एंड करते हैं, उम्मीद होगा आप सबको पसंद आया होगा, आप सब लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।